विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मनावर में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम विवादों के बीच में संपन्न हुआ। दरअसल मनावर के कांग्रेसी विधायक एवं जयस राष्ट्रीय संरक्षण हीरालाल अलावा के खास माने जाने वाले जयस मनावर प्रभारी लालू सिंह बर्मन एवं राजू एम सोलंकी के बीच आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम स्थल को लेकर विवाद हुआ। विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर कल मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा व जयस के दूसरे संगठन में अनाज मंडी में सभा को लेकर नोकझोंक हुई। दूसरे जयस संगठन द्वारा 15 दिन पहले शासन से अनाज मंडी में सभा को लेकर परमिशन ले ली गई थी, मगर मनावर विधायक द्वारा वह परमिशन निरस्त करवा दी गई व उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ परमिशन ले ली, जिसके बाद दूसरे सामाजिक जयस संगठन व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के बीच बहस हुई, जिसके बाद आज डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा कृषि अनाज मंडी में विश्व आदिवासी दिवस पर सभा की सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए। वह विधायक ने सभा के माध्यम से जनता से अपील की कि हम साथ मिलकर मनावर को जिला बनाने का प्रयास करेंगे। विधायक द्वारा मंडी में एक आदिवासी गायक व नृत्य करने वाली युवती को बुलाया, जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद विधायक द्वारा मनावर गांधी चौराहे तक जुलूस निकाला गया। विधायक के जुलूस में नाम मात्र की भीड़ रही तो वहीं आदिवासी जयस संगठन में भारी भीड़ देखने को मिली। दूसरे जयस संगठन के प्रभारी द्वारा गांधी चौराहे पर जनता के बीच परमिशन को लेकर विधायक द्वारा सभा स्थल की परमिशन निरस्त करवाई और कहा कि हम जयस के माध्यम से विधायक बनना जानते हैं तो उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं, जिसको लेकर जनता में भारी उत्साह देखा। लाल सिंह बर्मन, जयस प्रभारी मनावर। आज आदिवासियों को त्यौहार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासियों के द्वारा रैली निकाली गई। कल मंडी में कुछ विवाद हुआ, विधायक क्या कारण? विवाद ये था, हमने विगत 15 दिन पहले परमिशन ले ली थी रैली की और आम सभा की मंडी में। अब मंडी में हमारी सभा तय हो गई थी, उसके बाद हमें एक दिन पहले ये बताया जाता है कि आपकी जो परमिशन है वो निरस्त हो गई है। तो हमने कहा हमारा टेंट पहुंच गया, वहाँ पे सारी चीज़ पहुंच गई, हमने प्रचार कर दिया पूरे विधानसभा क्षेत्र में गाड़ियों से। उसके बाद हमको ये बोला गया है कि बोले आपकी परमिशन कैंसिल हो गई। तो हमने कहा हमें 4 दिन पहले सूचना करते या 15 दिन पहले सूचना करते तो हम हमारी व्यवस्था करते हैं। अब जयस के दो गुट नहीं है, जयस का एक ही गुट है, लेकिन जिनको राजनीति करना था वो राजनीति में चले गए हैं, वो अपने आप को जयस के मुखिया मानते हैं। राजू एम सोलंकी, जयस प्रदेश अध्यक्ष। आज किस सम्मान को लेकर जुलूस निकाला? आज हमने 9 अगस्त विश्व आदिवासी के दिवस के उपलक्ष्य में मांगलिक भवन मेला मैदान से रैली प्रारंभ की है और गांधी चौराहे होते हुए, सनन चौपाटी होते हुए, अम्बेडकर चौराहे होते हुए पुनः यहां पर समापन किया गया है। और हमने नगर पालिका से मांग की है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है उन्हें आज छत तक नसीब नहीं हुई है, तो हमने मांग रखी है कि 8 दिवस के अंदर वहाँ पर छत लगा दी जावे, वरना हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जयस में क्या दो धड़े हैं? जी बिल्कुल नहीं है, जयस एक सामाजिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विधायक महोदय से कुछ कल मंडी में विवाद क्या कारण? हमने बोला है कि केवल समाज का कार्यक्रम होगा, यदि प्रशासन सहयोग करना चाहे तो कर सकता, हम लोग भी कॉपरेट करने के लिए तैयार थे, मगर प्रशासन ने हमें सहयोग नहीं दिया और दबाव में आकर हमें जो अनुमति मिली थी कार्यक्रम की वो भी निरस्त कर दी गई थी। किनके द्वारा निरस्त करवाई? शासन प्रशासन के दबाव में या हो सकता स्थानीय नेताओं ने दबाव बनाया होगा। आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के मनावर विधानसभा में हमने मनावर विधानसभा में क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए आज यहाँ चर्चा हुई और हमने यहाँ पे एक मैसेज छोड़ा है कि देश के आखिर पंक्ति में खड़ा जो वर्ग आदिवासी समुदाय है उसका सम्मान, उसकी भाषा, उसकी रीति रिवाज, उसकी परंपराओं का हर समाज के लोग मिलकर करें और उनके विकास के लिए हम सब साथ मिलकर आगे संघर्ष करें। साथ में हमने एक और यहाँ की जो क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या थी कि जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, हमने जब मुख्यमंत्री जी के सामने जो प्रस्ताव भेजा था कि मनावर में अच्छा अस्पताल दिया जाए तो हम जल्दी ही यहाँ पे सिविल अस्पताल
नया सिविल अस्पताल बनने के लिए प्रक्रिया चालू हो जाएगी, बाईपास का काम शुरू हो जाएगा। और साथ में हमने आज यहाँ जनता के माध्यम से संकल्प लिया कि मनावर को जल्द से जल्द जिला बनाने के लिए हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ताकि मनावर के क्षेत्र की जनता का विकास हर प्रकार से हो। मनावर में जेएस के दो संगठन क्यों हैं, क्या कारण? देखिए, मनावर में जेएस का एक ही संगठन है, जो दूसरे संगठन की बात कर रहे हैं वो जेएस के लोग नहीं है, और वो ऐसे लोग हैं जो समाज में शायद सबको ले कर नहीं चलना चाहते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में हर समाज, हर जाति, हर वर्ग को बुलाए, और ये जेएस की पूरी टीम हमारे साथ खड़ी है। तो दो जेएस नहीं है यहाँ पे, एक ही जेएस है, और जो लोग हैं वो जेएस के नहीं है, वो दूसरे लोग। कल इस बात को लेकर कल विवाद भी हुआ। देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे सब लोग मिल के एक परिचय दे, एकता का परिचय दे, और मध्य प्रदेश सरकार जब आपकी मांग कर रही है तो आपकी मांग सुन रही है, आपकी मांग पूरी कर रही है, तो क्यों ना मिलकर करें। लेकिन कुछ लोग जो जिनकी फितरत है कि आदिवासियों के आदिवासियों को भड़काएंगे और उनको भड़काकर अलग जो समाज से उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। बाकी सारी जेएस की टीम, जेएस के झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, और पूरी जेएस की टीम ने मेहनत करी है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।